हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दोस्तों, दिल्ली आईटीआईज के एडमिशन शुरू हो गए हैं और आई नो काफ़ी लेट मैं वीडियो बना रहा हूं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा जितनी भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप लोगों को इस वीडियो में प्रोवाइड करवाई जाए। आईटीआई अलग अलग ट्रेड्स में करवाया जाता है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट भी हैं इसके और कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी हैं। अभी इस शेड्यूल की हम बात नहीं कर रहे हैं, शेड्यूल की बात थोड़ी देर में हम करेंगे। हम नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर आपको लिस्ट मिल जाएगी किस किस इंस्टीट्यूट में आईटीआईस में अलग अलग ट्रेड में ऑफ़र किया जाता है। आईटीआई पूसा न्यू दिल्ली हो गया, ठीक है, अरब की सराय निज़ामुद्दीन हो गया, और आईटीआई शाद्रा हो गया, और सर सीवी रमन आईटीआई धीरपुर हो गया। इस तरह से अलग अलग इंस्टीट्यूट हैं, अलग अलग आईटीआईस हैं जहाँ पर ट्रेड्स ऑफ़र किए जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पे अगर हम बात करें कि कौन कौन सी ट्रेड्स हैं और उसका मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, तो उसके लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा नीचे। जैसे ब्यूटी एंड वेलनेस के सेक्टर में टोटल 456 सीट्स हैं, जिसमें आपका कॉस्मेटोलॉजी का कोर्स है जो कि सिर्फ गर्ल्स के लिए है। इसमें 10th क्लास की मिनिमम रिक्वायरमेंट है। एज लिमिट मिनिमम एज लिमिट है, मैक्सिमम एज लिमिट का कोई इसमें क्राइटेरिया नहीं है, इस चीज़ को याद रखिएगा, चाहे वो कोई सा भी ट्रेड हो। और यहाँ पर आईटीआईज के नाम लिखे हुए हैं किस इंस्टीट्यूट में कितनी सीट्स हैं, ओवरऑल सीट्स कितनी हैं नेशनल लेवल आईटीआई में और स्टेट लेवल आईटीआई में, वो आप अपने हिसाब से यहाँ पर देख लीजिएगा। इसी तरीके से और नीचे हम स्क्रॉल करते जाएंगे तो जिस जिस ट्रेड में आईटीआई ऑफ़र किया जाता है और किस किस इंस्टीट्यूट में ऑफ़र किया जा रहा है, सबके यहाँ पर नाम, सबके यहाँ पर रिक्वायरमेंट, कितने साल का है, कुछ कुछ कोर्स एक साल के हैं, कुछ कुछ शायद दो साल के भी हो सकते हैं, तो वो यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा। जिससे ये मैकेनिक मोटर व्हीकल 2 साल का है, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल व्हीकल ये भी 2 साल का है, दोनों में 10th क्लास की रिक्वायरमेंट चाहिए, ठीक है। मिनिमम रिक्वायरमेंट ज़्यादातर में 10th या 8th ही है, और इसमें सिलेक्शन प्रोसेस भी आपके क्वालिफिकेशन के मार्क्स के बेसिस पर होता है, कोई इसमें एंट्रेंस वगैरह नहीं होता। जैसे यहाँ पर अब हम आ गए हैं, ये टर्नर का ट्रेड है जो कि 2 साल का है, टोटल 220 इसमें सीट्स हैं, और अलग अलग इंस्टीट्यूट में कितनी सीट्स हैं वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से कंस्ट्रक्शन की फील्ड में टोटल 784 सीट्स हैं, जिसमें आर्किटेक्चुअल ड्रॉट्समैन हैं, ठीक है, इसमें आप इंस्टीट्यूट में लिस्ट 24 हैं जो आप देख सकते हो। और इसी तरीके से आपको जिस भी ट्रेड में एडमिशन चाहिए उसकी डिटेल यहां पर आपको मिल जाएगी। तो अब हम नीचे स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पर एक और समरी आपको मिलेगी जिसमें बताया जाएगा, ये देखिए ये सीट मैट्रिक्स है बेसिकली, इसमें बताया जाएगा कि भाई ये आपका ट्रेड है, ठीक है जी, और इंजीनियरिंग या नॉन इंजीनियरिंग है ये यहाँ पर लिखा हुआ है, और यहाँ पे लिखा हुआ है यूनिट स्ट्रेंथ, यानी कि पर इंस्टीट्यूट में कम से कम कितने बच्चे होने चाहिए वो लिखा हुआ है, और फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हो NSQ लेवल लिखा हुआ है, और फिर किस इंस्टीट्यूट में ये पर्टिकुलर ट्रेड ऑफ़र किया जाता है वो यहाँ आपको देखने को मिलेगा इस तरीके से, ठीक है, और ये इंस्टीट्यूट का नाम ऊपर लिखा हुआ है, ये आप लोग यहाँ पर जाकर देख सकते हो, ठीक है। और ऊपर डिटेल गाइडलाइंस हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है, और नीचे थोड़ा सा समरी आपको पास लिखी हुई है कि कौन कौन से ट्रेड में आईटीआईज ऑफ़र किए जा रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ़ ट्रेड्स की अगर बात करें, 55 अलग अलग ट्रेड्स में आईटीआई ऑफ़र किए जा रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स हैं 11,552, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स जो यहाँ पर हैं, जिसके आगे जी लिखा हुआ है इसका मतलब वो गर्ल्स कैंडिडेट के लिए वो ट्रेड ऑफ़र किया जाता है। फीस की बात करते हैं दोस्तों, फॉर ऑल आईटीआईज इंजीनियरिंग ट्रेड, जितने भी इंजीनियरिंग ट्रेड हैं उनकी फ़ीस यहाँ पर लिखी हुई है। SC ST बॉयज़ के लिए टोटल फ़ीस जाएगी 1300 रुपये एडमिशन के टाइम पर, और हाफ़ ईयरली 600 रुपये जाएंगे। सभी तरह की गर्ल्स कैंडिडेट और दिव्यांग वाले कैंडिडेट्स के लिए 700 रुपये एडमिशन के टाइम पर फ़ीस जाएगी, कोई हाफ ईयरली फ़ीस नहीं है, और बाकी अदर बॉयज़ के लिए 1900 रुपये फ़ीस जाएगी और 1200 रुपये हाफ ईयरली पेमेंट होगी। जो आई टी आई नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड्स ऑफर कर रहे हैं उसमें SC ST बॉयज़ को 1150 रुपये देने हैं और हाफ ईयरली 450। गर्ल्स और दिव्यांग कैंडिडेट की फ़ीस उसमें 700 रुपये है, और सारी अदर बॉयज़ के लिए 1600 रुपये फ़ीस है और 900 रुपये उनको हाफ ईयरली पे करने हैं, ठीक है। ये फ़ी स्ट्रक्चर है जो मैंने आपको बता दिया, किसी भी ट्रेड में आप एडमिशन ले रहे हो उसके हिसाब से। और दोस्तों, ये जो फ़ीस स्ट्रक्चर है ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट का है, जो आईटीआई दिल्ली गवर्नमेंट के हैं, दिल्ली गवर्नमेंट के। कुछ प्राइवेट आईटीआईज भी इसमें होंगे, उनका फ़ीस थोड़ा अलग हो सकता है। सीट रिजर्वेशन की बात करें, 90% सीट रिजर्व हैं उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने क्वालिफिकेशन दिल्ली से करी है, दिल्ली के स्कूल से।
9% रिजर्व हैं जिन्होंने क्वालिफिकेशन दिल्ली के बाहर के किसी स्कूल से करी है, और जम्मू एंड कश्मीरी माइग्रेंट के जो वार्ड्स हैं उनके लिए भी 1% की यहाँ पे जो सीट्स हैं वो रिजर्व रखी गई हैं। और यहाँ पे फिर कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन पे आप देख सकते हो, एस सी एस टी को 15.5%, ओबीसी को 27%। ओबीसी अगर आप बिलोंग करते हो तो 1 अप्रैल 2024 के बाद का डॉक्यूमेंट आपका होना चाहिए, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। 10% ईडब्ल्यूएस का है, और ईडब्ल्यूएस में भी जो डॉक्यूमेंट है वो आपके 1 अप्रैल 2024 के बाद का होना चाहिए। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी यहाँ पर रिजर्वेशन है, जो कोविड इंस्टीट्यूट है वहाँ पर 30% सीट्स फीमेल के लिए रिजर्व रखी जाएंगी। डिसेबल कैंडिडेट के लिए भी 4% का रिजर्वेशन है, और डिफेंस पर्सनल है उनके लिए भी कुछ यहाँ पर रिजर्वेशन रखा गया है, जो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। तो ये रिजर्वेशन की बात हो गई, इसको डिटेल में आप लोग पढ़ सकते हो। इसके बाद और चीज़ों की बात करें तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि सर्टिफिकेट जो भी आप बनवाओगे वो किस किस अथॉरिटी से इशू किया हुआ होना चाहिए, तो उसकी यहाँ पर इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, इसको आप रीड आउट कर सकते हो। देन फिर हम नेक्स्ट चीज़ की बात करते हैं दोस्तों, इसमें यह है मिनिमम एज का यहाँ पे बताया जा रहा है। जो टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन और रिपेयर है उसकी मिनिमम एज 16 साल होनी चाहिए। ऑल डुअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग डीएसटी ट्रेड, इसकी मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए। और बाकी जो दूसरी ट्रेड्स हैं उनकी मिनिमम एज 14 साल होनी चाहिए, और ये कट ऑफ डेट है 1 अगस्त 2024। और अपर एज लिमिट में कोई भी इसमें बार नहीं है, अपर एज लिमिट बिल्कुल किसी भी एज में आप हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, जस्ट मिनिमम एज आपको मेंटेन करनी है। बाकी मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट अभी आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, इसी पीडीएफ के एनेक्जर 1 में उसका फॉर्मेट अवेलेबल है, उस फॉर्मेट में आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। कैंडिडेट नॉट एलिजिबल फॉर एडमिशन हु हैज़ बीन अर्लियर एक्सपेल्ड और रेस्ट्रिकेटेड फ्रॉम एनी ऑफ द इंस्टीट्यूट ड्यू टू एनी रीज़न, यानी कि पहले आपने एडमिशन लिया हो और वहाँ से आपको निकाल दिया गया हो कोई भी इनडिसिप्लिन एक्शन की वजह से, तो आप इसमें एडमिशन नहीं ले सकते। और अगर आपने किसी ट्रेड में ऑलरेडी आईटीआई करा हुआ है तो आप उसी ट्रेड में दोबारा से एडमिशन नहीं ले सकते। इफ़ अ कैंडिडेट इज़ डूइंग आईटीआई इन अ स्पेसिफिक ट्रेड देन ही शी वुड नॉट बी एलिजिबल फॉर टेकिंग एडमिशन इन एनी ट्रेड टिल ही शी कम्प्लीट द ट्रेड। तो अगर आप कोई करंटली आईटीआई कर रहे हो तो उसके साथ साथ किसी दूसरे ट्रेड में आप एडमिशन नहीं ले सकते, तो ये यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है, इनको आप रीड आउट कर लीजिएगा। और यहाँ पे कुछ यूनिफॉर्म का स्ट्रक्चर गिवन है, यूनिफॉर्म वगैरह कैसी रहती है बॉयज़ के लिए और गर्ल्स के लिए, तो ये आप देख सकते हो एडमिशन के बाद, ये यूनिफॉर्म आपको फॉलो करनी होगी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ऑनलाइन कंडक्ट ऑफ क्लासेस, कुछ कुछ केसेस में क्लासेस वगैरह ऑनलाइन होती हैं तो उसकी जानकारी यहाँ पर है, तो उसको आप देख लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के लिए आपको वेबसाइट पर आना है, अभी मैं वेबसाइट का ओवरव्यू आपको दे दूँगा, अभी हम चलेंगे उस वेबसाइट पर, उसके बाद बात करते हैं। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन के टाइम पर कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे जो यहाँ पर अवेलेबल हैं, जैसे यहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आपका है तो उसका डॉक्यूमेंट, अगर कोई सब कैटेगरी है तो उसका डॉक्यूमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट रजिस्टर्ड ऑर्फनेज अगर आप हो तो उसका डॉक्यूमेंट, और बीडीओ रजिस्टर्ड स्कूल अगर आपका है तो उसका डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होगा। क्वालिफाइंग में अगर 10th क्लास का मिनिमम क्वालिफिकेशन है तो उसका डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, 8th है तो उसका डॉक्यूमेंट चाहिए होगा। सर्टिफिकेट फॉर्म हेडमास्टर प्रिंसिपल ऑफ स्कूल एक्स पर एनेक्जर 8 ओनली इन केस द कैंडिडेट हैज़ फिल्ड 8th क्लास मार्क, अगर आपका 8th क्लास की रिक्वायरमेंट है तो उस कंडीशन में एक फॉर्मेट एनेक्जर 8 में गिवन है इस प्रॉस्पेक्टस में, उस फॉर्मेट को अंडरटेकिंग आपको चाहिए होगा हेड मिनिस्टर या प्रिंसिपल से साइन करवाने के बाद। और एक और अंडरटेकिंग इसमें अवेलेबल है एनेक्जर 15 में, वो भी आपको डाउनलोड करना है, भरना है, वो भी आपको फॉर्म के अंदर अपलोड करना होगा, ठीक है। स्टेट वाइज कोटा एप्लीकेबिलिटी फॉर कैंडिडेट, क्वालिफाइंग स्टेट जब आप मतलब फॉर्म के अंदर भरोगे, क्वालिफाइंग स्टेट आपका दिल्ली है तो आपको कोटा मिलेगा 90% सीट्स का, और अगर आप आउटसाइड वाला भरोगे तो उसके हिसाब से आपको कोटा मिलेगा। NIOS से जिन्होंने पास आउट करा है तो जो आपका स्टडी सेंटर का जो लोकेशन है उसके बेसिस पर आपका जो रिजर्वेशन कोटा है स्टेट वाइज वो कंसिडर करा जाएगा, ठीक है। तो डिस्टेंस एजुकेशन में जो भी आपने कराया तो स्टडी सेंटर के हिसाब से वो चीज़ें चेक होंगी। बाकी फोटोग्राफ आप अपलोड करोगे और जो भी पेमेंट के सोर्सेज हैं उसके थ्रू पेमेंट कर दोगे। ऑनलाइन एडमिशन का कुछ प्रोसेस है जो यहाँ पे बताया जा रहा है, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है दोस्तों, रजिस्ट्रेशन करना है, डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड कर देने हैं, जो भी पेमेंट वगैरह है वो कर देनी है, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे। वेरिफिकेशन अगर हो गया उसके बाद चॉइस फिलिंग होगी, अगर वेरिफिकेशन में कुछ गड़बड़ी पाई गई तो कुछ चीज़ें तो वो अपने आप ही ठीक कर लेते हैं डॉक्यूमेंट से मैच करके,
और कुछ उनको लगता है कि डॉक्यूमेंट दोबारा से अपलोड करना है तो वो आपको पोर्टल में ऑप्शन दे देंगे। तब वो डॉक्यूमेंट जब आपके वेरीफाई हो जाएंगे उसके बाद आप लोगों को ये चॉइस फिलिंग करनी होगी। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों कि जब आप फॉर्म भर दोगे, फीस पेमेंट कर दोगे, तो वो फाइनल स्टेप नहीं है फॉर्म का। फीस पेमेंट करने के बाद जो भी डिटेल्स आपने दी होंगी ऑनलाइन वो वेरीफाई करी जाएंगी, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करे जाएंगे, उसके बाद उसी पोर्टल को लॉगिन करके आपको चॉइस फिलिंग करनी है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, चॉइस फिलिंग नहीं करोगे तो जो भी आपने फॉर्म भरा है, फीस भरी है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो वेस्ट हो जाएगा। तो इस चीज़ को ज़रूर से ध्यान में रखते हुए चलिएगा। ठीक है, बाकी चॉइस फिलिंग में आपको पता ही है, जो भी ITIs हैं, जो भी ट्रेड्स हैं, आप अपने हिसाब से प्रेफरेंस दोगे। ठीक है, और इनका कहना है कि एड्रेस वगैरह सब कुछ इस प्रॉस्पेक्टस में अवेलेबल है, वो एड्रेस वगैरह सब कुछ आप देख लीजिए, उसके बाद ही प्रेफरेंस को भरिएगा। ठीक है, फिर प्रेफरेंस जब आप भर दोगे तो आपकी रैंक आएगी। आप देख सकते हो आपने जो भी क्वालिफिकेशन डिटेल्स दी हैं उसके हिसाब से आपकी क्या रैंक आई है। उसके बाद रैंक आने के बाद अगेन आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि नहीं जी मेरी रैंक सही नहीं है, कुछ डॉक्यूमेंट स्टिल वेरीफाई नहीं हुए, तो उसको आप ऑब्जेक्ट कर सकते हो। उसके बाद फिर काउंसलिंग शुरू होगी और काउंसलिंग से पहले फाइनल रैंक एक बार फिर से रिलीज़ करेंगे वो ऑब्जेक्शन के बाद, और फिर यहाँ पर काउंसलिंग शुरू होगी। आपका जो रिज़ल्ट है वो डिस्प्ले करेगा आपके पोर्टल में, जिस पोर्टल से आपने फॉर्म भरा है। ठीक है, और कैंडिडेट कैन फाइंड देयर अलॉटमेंट स्टेटस, लॉगिन करके आप वेबसाइट से देख सकते हो कि अगर आपको कोई सीट अलॉट हुई है या नहीं। अगर आपको कोई भी सीट अलॉट नहीं होती देन आप ऑटोमेटिकली नेक्स्ट राउंड के लिए कंसिडर हो जाओगे और आपको फिर नेक्स्ट राउंड का वेट करना है। हालांकि अगर जिनको सीट अलॉट नहीं हुई तो वो नेक्स्ट राउंड से पहले अगर चाहे तो अपने चॉइस फिलिंग में चेंजेस वगैरह कर सकता है। ठीक है जी, अगर फर्स्ट राउंड में किसी को कोई भी सीट अलॉट होती है तो क्या होगा जी, कैंडिडेट हु आर अलॉटेड अ सीट इन काउंसलिंग इंक्लूडिंग अपग्रेड रिटेन कैंडिडेट ऑफ प्रीवियस राउंड एंड फ्रेश अलॉटमेंट नीड्स कंपल्सरली सेलेक्ट हिज आर प्रेफरेंस। जिसको भी सीट अलॉट होती है वो अपना प्रेफरेंस सेलेक्ट करेगा पहले तो, कि उसको अपग्रेड करना है या फ्रीज करना है। अपग्रेडेशन ऑफ अलॉटमेंट सीट काउंसलिंग वुड बी अवेलेबल ऑन स्टिपुलेटेड डेट्स गिवन ऑन द एडमिशन पोर्टल। यानी कि जो भी ऑप्शन रहेंगे अपग्रेडेशन या फ्रीज के, जो भी शेड्यूल रिलीज करा जाएगा काउंसलिंग का उसके हिसाब से रहेंगे। अगर आप फ्रीज करते हो तो इसका मतलब यह है कि आप अपनी सीट से सेटिस्फाइड हो और आप उसमें एडमिशन लेना चाहते हो, और अगर आप अपग्रेड करते हो इसका मतलब यह है कि आप अपनी सीट से सेटिस्फाइड नहीं हो, तो नेक्स्ट राउंड में आपको या तो हायर प्रेफरेंस अलॉट हो सकता है या फिर जो फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हुई है वही आपकी रिटेन हो जाएगी। ये दोनों कंडीशन होती हैं। ठीक है, और जो बच्चा अपग्रेड कर रहा है वो सेकेंड राउंड में जब जाएगा तो उससे पहले अपने सीट्स में रीशफलिंग वो कर सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ओनली फॉर फ्रीज प्रिफर्ड कैंडिडेट हु ऑप्ट फॉर फ्रीजिंग नीड टू फॉलो द फॉलोइंग प्रोसेस। देखो, लिस्ट में नाम आने के बाद जो बच्चा फ्रीज करता है तो उसका फिजिकल रिपोर्ट करना पड़ेगा अपने ITI में रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स को लेकर। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट नीचे अवेलेबल होगी। कैंडिडेट नीड्स टू पे ऑनलाइन एडमिशन फी ऑन स्टिपुलेटेड डेट आफ्टर फिजिकल रिपोर्टिंग। फिजिकल रिपोर्ट करने के बाद उसको फीस पे करनी होगी अपने एडमिशन पोर्टल पर। इफ अ कैंडिडेट पे फीस फर्स्ट एंड देन इज नॉट एबल टू सक्सेसफुली कंप्लीट फिजिकल रिपोर्टिंग ड्यू टू एनी रीजन देन हिज अलॉटेड सीट वुड कैंसिल, फीस पेड वुड नॉट बी रिफंडेड। तो मेक श्योर कि फीस पेमेंट आप फिजिकल रिपोर्टिंग के बाद ही करें जब आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाए, जो बच्चे फ्रीज कर रहे हैं, और जिन्होंने अपग्रेड कर लिया उनको डायरेक्टली आप सेकेंड राउंड का वेट करना है। और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे वहाँ पर, उसमें कॉपी ऑफ सीट अलॉटमेंट लेटर जो कि आप पोर्टल से डाउनलोड करोगे, एडमिशन स्लिप अगेन पोर्टल से डाउनलोड करोगे, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो सारे लेकर जाओगे आप, सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज लेकर जाओगे, जो भी अलॉटमेंट लेटर आपका आया होगा, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, एंटी रैकिंग का अंडरटेकिंग, और जो अंडरटेकिंग आप फॉर्म में अपलोड करोगे वो वाला, कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेकर जाओगे, आधार कार्ड है, अपनी 3 पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जाओगे, और बैंक की डिटेल्स यानी कि पासबुक या कैंसिल चेक वगैरह जिसमें आपकी डिटेल्स शो होती हैं वो आप लेकर जाओगे। ठीक है, ये प्रोसेस आपको फॉलो करना है। और यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है, मान लेते हैं आपको किसी भी इंस्टीट्यूट में कोई ITI अलॉट होता है और आपके पास फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जब आप जाते हो और आप उस सीट से सेटिस्फाइड भी हो, तो फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पर आपके पास डॉक्यूमेंट सारे नहीं हैं, तो आपसे ये लोग सजेस्ट कर रहे हैं कि आप उसको अपग्रेड कर दो। अपग्रेड करने से क्या होगा, नेक्स्ट राउंड में भी आपको कंसिडर कर लिया जाएगा, तो थोड़ा सा आपको टाइम मिल जाएगा डॉक्यूमेंट रेडी करने के लिए। तो ये एक सजेशन ITI की तरफ से दी जाती है जो कि हर साल दी जाती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी हर राउंड से पहले सीट्स कितनी खाली हैं वो सब डिटेल आपको वेबसाइट पर नोटिफाई करी जाएंगी, तो उसके लिए वेबसाइट आपको देखनी होगी।
तो ये तो काउंसलिंग की बात हो गई। उसके बाद फिर दोस्तों फॉर्म भरने की कुछ गाइडलाइंस हैं जो यहाँ पर अवेलेबल हैं। फॉर्म भरते समय सारी डिटेल सही से प्रोवाइड करें, खासकर मार्क्स वगैरह की डिटेल, तो इन्हें आप ज़रूर से रीड आउट करिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी रैंक लिस्ट जनरेट करने में। तो रैंक लिस्ट के बेसिस पर ही आपका एडमिशन होगा, इसे बहुत केयरफुली आप लोग फिल कीजिएगा। यहाँ पर बताया भी जा रहा है कि अगर आपके मार्क्स ग्रेड्स में आते हैं तो जो भी आपका परसेंटेज में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला है उसको पहले कन्वर्ट करें सब्जेक्ट वाइज भी, देन ओनली मार्क्स वहाँ पर एंटर करें। किसी सब्जेक्ट में आप एबसेंट हो तो वहाँ पर ज़ीरो आप उस सब्जेक्ट का माना जाएगा, तो ये भी यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, तो इस चीज़ को आप ज़रूर से देख लीजिएगा। या फिर अगर आप किसी सब्जेक्ट में फेल हो तो ऑब्वियसली उसका ज़ीरो ही मार्क्स माने जाएंगे, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पर लिखेंगे मार्क्स। ई आया हुआ है किसी ग्रेड में तो E1 या E2 है तो उसके हिसाब से 3 या 2 ग्रेड्स आपके कंसिडर होंगे, तो वो यहाँ पर लिखा हुआ है। टाई ब्रेकिंग रूल क्या है, मार्क्स सेम हो किसी 2 बच्चों के तो फिर क्या चीज़ फॉलो करी जाएगी, तो उसकी डिटेल भी यहाँ पर अवेलेबल है, इसको आप लोग रीड आउट कर लीजिएगा। फिर नीचे स्क्रॉल करोगे कुछ डॉक्यूमेंट्स के फॉर्मेट्स हैं जो अंडरटेकिंग आपको फॉर्म में लगाना है या जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल रहेंगी, इन्हें आप रीड आउट कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों ये है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, लास्ट डेट आप देख ही सकते हो 25 जून रात 11 बजे तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर मैं आऊँगा नीचे तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि ट्रेड चॉइस नॉट गेटिंग फिल्ड आफ्टर रजिस्ट्रेशन फी, फीस मैंने सबमिट कर दी लेकिन ट्रेड चॉइस का ऑप्शन नहीं आ रहा। तो ये लोग साफ साफ कह रहे हैं कि जब आप फीस पेमेंट कर दोगे तो आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे, वेरीफाई होने के बाद ही चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आएगा, तो ये इस चीज़ को ज़रूर से ध्यान रखें। बाकी रिजर्व डॉक्यूमेंट की यहाँ पर इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। रूरल वेटेज जो है उसके लिए सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा आपको, तो वो यहाँ पर लिखा हुआ है। कैंडिडेट करंटली डज नॉट हैव अ सर्टिफिकेट अप्लाइड फॉर अ सर्टिफिकेट एंड विल ऑब्टेन इट बिफोर एडमिशन, उस कंडीशन में अंडरटेकिंग वगैरह दे सकते हो आप, तो वो ये चीज़ यहाँ पर लिखी गई है। और ड्रेस कोड वगैरह की इन्फॉर्मेशन जो प्रॉस्पेक्टस में भी है वो है यहाँ पे, तो इन्हें आप रीड आउट कर सकते हो। और राइट साइड में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हो, पिछले साल की कट ऑफ वगैरह, ठीक है, तो वो यहाँ पे अवेलेबल है पिछले साल की कट ऑफ ट्रेड वाइज, तो वो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन यहाँ पे इसी वेबसाइट से आपको करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप यहाँ जाके अप्लाई कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही, थैंक यू।